हेलो एवरीबॉडी, आई एम शुभम चतुर्वेदी। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, इसके पहले हम लोग मोशन, उसका इंट्रोडक्शन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, इन सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं। साथ साथ में हम पिछले बार देख चुके हैं कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ हमने कैसे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन किया था। ठीक, आज हम लोग आ पहुंचे हैं ग्राफ में। ग्राफ कौन से? दो प्रकार के, एक है हमारा पोजिशन टाइम ग्राफ, दूसरा है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इनके जरिए हम कुछ ना कुछ निकालेंगे, वो देखेंगे क्या निकालेंगे। पहले तो हम समझते हैं कि ग्राफ होता क्या है। आपने देखा होगा कि जैसे कोई मैच होता है, मैच में क्या होता है कि 50 ओवर्स का मैच है, किसी ओवर में ज्यादा रन बने, किसी ओवर में कम रन बने, तो क्या हम अलग अलग, और किसी ओवर में विकेट चला गया, किसी ओवर में नहीं गया विकेट, जिसमें विकेट चला गया वो मेडन चला गया, और जिसमें विकेट नहीं गया उसमें हमारे एबीडी विलियर्स लोग आ गए और उन्हें खूब तेज पारी खेल के 3-4 छक्के लगा दिए। ठीक, जब छक्के लगा दिए तो वो रन ज्यादा हो गए, तो क्या हम हर ओवर को वो देते हैं क्या कि इस ओवर में इतने रन, ये छक्के, ये चौके, ये विकेट, उसको हम देखते हैं एक ग्राफ के फॉर्म में। तो ग्राफ कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसा 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 ऊपर नीचे दिखता रहता है। तो किसी भी चीज का, किसी भी इवेंट का, जब हम दो चीजों को कंपेयर करें, ओवर रन या विकेट्स और रन, ठीक, जब दो इवेंट्स को या दो क्वांटिटी को, किसी इवेंट में दो क्वांटिटी को कंपेयर करें, उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दें, उसको हम कहते हैं ग्राफ। ठीक, तो मान लीजिए कि ये खरगोश चल रहा है और एक कछुआ चल रहा है, तो खरगोश ऐसा ऐसा जा रहा है तेज तेज, और ये कछुआ है ये धीमे 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 ऐसा जा रहा है। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, ये डिस्टेंस ज्यादा तेजी से कवर कर रहा है, ये धीमे से कवर कर रहा है। तो इसको यदि मैं वो करूंगा, क्या करूंगा, इसकी यदि मैं वो पोजिशन टाइम ग्राफ निकालूंगा, तो कैसे निकालूंगा कि ये होगा मेरा डिस्टेंस जो ये कवर कर रहा है। ठीक, और ये, अरे ऐसे नहीं समझते हैं इसको, और अच्छे से समझते हैं। आप पहले समझिए कि ये हमारी होती है x एक्सिस और ये होती है हमारी y एक्सिस। अब ये एक्सिस एक्सिस में क्या रखेंगे और y एक्सिस में क्या रखेंगे, हो गया हमारा ओरिजिन। x एक्सिस में हम रखेंगे टाइम, क्यों रखेंगे, x एक्सिस में हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही रखे जाते हैं। अब टाइम हमारा इंडिपेंडेंट कैसे होता है, ये मैंने बताया था आपको, यदि मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, टाइम को इससे कोई मतलब नहीं है, टाइम अपना बढ़ता चला जाएगा, तो टाइम है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, अब मोशन हो चाहे ना हो, तो यहाँ आएगा हमारा टी यानी कि टाइम, और यहाँ वो जो खरगोश जा रहा है ये क्या कर रहा है, कवर डिस्टेंस, तो ये आएगा यहाँ पर डिस्टेंस। ठीक, या डिस्प्लेसमेंट पोजिशन। ठीक, अभी तो सीधा सीधा ही जा रहा है ना, अभी तो कुछ दिक्कत नहीं है, जब सीधा जा रहा है तो वही पोजिशन चेंज हो रहा है, अगर लौटे तो बात की बात है अभी, लेकिन पोजिशन टाइम ग्राफ में हम ऐसा देखेंगे कि खरगोश ऊपर जा रहा है। ठीक, तो खरगोश भैया पहला चला, ये 2 सेकंड में उसने कवर किया, 2 सेकंड में कवर किया उसने 20 मीटर का डिस्टेंस। ठीक, फिर उसके बाद 4 सेकंड में उसने कवर किया कितना, 40 मीटर का डिस्टेंस। फिर 6 सेकंड में उसने कवर किया कितना, 60 मीटर का डिस्टेंस। और फिर 8 सेकंड में कवर किया उसने कितना, 80 मीटर का डिस्टेंस। अब इसको यदि हम ग्राफ में देखें तो इसको टी को हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल में बांट सकते हैं, कैसा, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये डिस्टेंस को हम कहां 100 तक का ले लेते हैं, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10, ये क्या है हमारा डिस्टेंस है मीटर में और ये है हमारा सेकंड में। ठीक, तो यदि अब हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दें तो कैसे देंगे, हम देंगे पहले 2 सेकंड में उसने कितना कवर किया, 20 मीटर, तो 20 मीटर 2 सेकंड यहां पर। ठीक, इसको इससे मिला दिया, फिर उसके बाद 4 सेकंड में कहा 40 मीटर, यानी कि ये 4 सेकंड को ऊपर ले गए और 40 मीटर यानी कि यहां आ गया हमारा। उसके बाद हमारा 6 सेकंड में 60 मीटर है, तो 60 और 6, उसके बाद हमारा क्या है, 80 मीटर से नेट सेकंड, 80 मीटर से नेट सेकंड। ठीक, 1 2 3 4 आ गया हमारा। हाँ, तो उस ग्राफ को मिलाने के बाद, इस ग्राफ को मिलाने के बाद यदि हम देखें तो हमको एक चीज दिख रही होगी, यदि हम इसको ऐसा खींचें एक लाइन को, इस मोशन को मिलाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर था ना वो रेस्ट पे था, ये ऐसा गया और ऐसा गया। ठीक, तो क्या ये ऐसी चीज दिख रही है क्या हमको,
ये हमारा लीनियर दिखा है ग्राफ, लीनियर, ठीक, लीनियर यानी कि स्ट्रेट लाइन। तो जब भी कोई मोशन यूनिफॉर्म होगा, यानी कि कोई भी मोशन यानी यूनिफॉर्म होगा, तो वो सेम डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो जब भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसका जो ग्राफ बनेगा, किस चीज का ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और इसको हम कह सकते हैं पोजिशन टाइम ग्राफ, वो बनेगा हमारा स्ट्रेट लाइन यानी कि लीनियर वाला। अब आपका ये मत बताना, आपकी ये मत सोचने की जरूरत है यहाँ पर कि ये जो खरगोश था वो ऐसा टेढ़ा टेढ़ा भाग रहा है, वो टेढ़ा नहीं भाग रहा है, वो भाग सीधा ही रहा है। लेकिन जो हमारा ग्राफ है, अब आप जैसे मुझे पता है कि खरगोश सीधा भाग रहा है, ठीक, आपको पता है कि खरगोश सीधा भाग रहा है, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति उसको नहीं पता ना, वो यहाँ पर नहीं है मौजूद कि खरगोश सीधा भाग रहा है कि टेढ़ा भाग रहा है, तो वो कैसे पता लगा पाएगा? वो पता लगा पाएगा इस ग्राफ के जरिए। कैसे पता लगाएगा वो? वो पता लगाएगा कि 20 मीटर उसने 2 सेकंड में कवर किया, 44 में, 66 में और 88 में, ठीक। तो वो समझ जाएगा कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, जहाँ वो सीधा ही रहा है। अगर वो सीधा टेढ़ा जाता तो दिक्कत हो जाती, उसको कम करनी पड़ती स्पीड या ज्यादा करनी पड़ती, तो वो सीधा चला जा रहा है। ये हो गया हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इससे हम एक चीज निकाल सकते हैं, इससे हमको निकालने को मिलती है क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी हमें इसका जो स्लोप होता है वो देता है हमको वेलोसिटी। कैसे देता है? मान लीजिए कि अगर हम इसको कोऑर्डिनेट्स के जरिए देखें, हम कार्टेशियन सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स के जरिए देखें, तो मान लीजिए कि हमें यहां से इसकी स्पीड वेलोसिटी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी निकालेंगे हम कि वाई, ये हो गई हमारी फाइनल वाई टू एक्स टू, ये हो गया हमारा वाई वन एक्स वन, ये वाई वन एक्स वन वाई टू एक्स टू क्या है, ये है हमारे कोऑर्डिनेट्स। यानी कि कोऑर्डिनेट्स का कहने का तात्पर्य ये है कि जब ये इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच में वाई क्या है और एक्स क्या है, यानी कि डिस्टेंस कितना है और टाइम कितना है। तो वाई टू हमारा यहाँ कितना है, 60, यानी कि फाइनल पोजीशन उसकी कितनी है, 60 मीटर। फाइनल पोजीशन है 60 मीटर। इनिशियल पोजीशन क्या है? इनिशियल पोजीशन है हमारी 40, माइनस 40, ठीक। तो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये क्या है, एक्स टू और एक्स वन, ये है हमारे टाइम इंटरवल, यानी कि एक्स एक्सिस पर इलस्ट्रेट होने वाले पॉइंट्स। एक्स एक्सिस पर क्या इलस्ट्रेट हो रहा है? एक्स एक्सिस पर इलस्ट्रेट हो रहा है हमारा टाइम। टाइम क्या है? एक्स टू और एक्स वन। तो एक्स टू और एक्स वन हो गए हमारे उसके कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पर क्या था? ये था 6 सेकेंड्स और ये था हमारा 4 सेकेंड्स। तो इसको हमने निकाला 20/2, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। यहां पर इस मोशन में इसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये पूरे, जैसे हम पूरे जर्नी का निकालने की कोशिश करें, तो यहाँ कितना है 80 और टाइम कितना है 8, यहाँ पे कितना है? ये है हमारा 0 और 0, ठीक। तो 80/80 माइनस 0, 8 माइनस 0, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी स्पीड कांस्टेंट है ना पूरे में, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद हम जाएंगे हमारे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, इसी ग्राफ के जरिए। तो जैसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ गए, ये ठीक, ये हमने लिख दिया, ये इस बार इसको थोड़ा सा वो कर देते हैं, 20/40/60/80, 20/40/60/80, ये डिस्टेंस है, वाई एक्सिस पर है, क्यों है ये बताने की जरूरत शायद नहीं है क्योंकि हम पहले बता चुके हैं। और ये क्या, 2468, 2468, ये हो गया हमारा सेकेंड। यहाँ नीचे टाइम क्या होता है ये भी नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले बता चुका हूँ, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक। तो अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि मान लीजिए कि इसने 2 सेकंड में कितना कवर किया, 2 सेकंड में कवर किया इसने 20 मीटर, तो इसको यहां मिला दिया हमने, ठीक। अब ये अगले 2 सेकंड में इसको ट्रैफिक मिला बहुत ज्यादा, तो ये कर पाया कितना, 5, अगले 2 सेकंड में ये सिर्फ 5 मीटर ही कवर कर पाया, तो ये यहाँ पर 25 हो गया, 30, ये 25 यहाँ तक आया ये, ठीक, ये 4 सेकंड में। उसके बाद उसको ट्रैफिक थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन उतना कम नहीं हुआ जितना पहले कम था, तो अगले में उसने मान लीजिए कि 10 मीटर कंप्लीट किया, तो ये आ गया हमारा 35 और ये 6, ठीक, 35 और ये 6। लेकिन फिर उसके बाद उसको ट्रैफिक बिल्कुल साफ मिल गया, ठीक। जब साफ मिल गया तो फिर उसने अपनी गाड़ी की स्पीड भयानक बढ़ा ली। जब भयानक बढ़ा ली उसने, तो
तो उस पहली बार में तो ये 20 मीटर्स 2 सेकंड में कवर कर रहा था, इस बार ये कर गया मान लीजिए कि 30 मीटर्स। तो 30 मीटर्स जब ये किया तो 35 + 30 यानी कि 65, यहाँ ये और 6, ठीक। अब ये इसका ये बताइए आप कि क्या अब ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं। तो हमारा जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, पहली बात तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो है जिसमें हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस को कवर करते हैं, तो उसका जो हमारा स्लोप होगा यानी स्लोप जो होगा हमारा वो क्या होगा, वो होगा कर्व, ठीक। यही सबसे बड़ी पहचान है पोजिशन टाइम ग्राफ के, कर्व को देखकर कि ये नॉन यूनिफॉर्म है कि यूनिफॉर्म है। यदि यूनिफॉर्म है तो स्ट्रेट लाइन होगी उसकी, नॉन यूनिफॉर्म है तो कर्व होगा। अब तीसरा केस देखते हैं। तीसरे केस में अब आपको दिखाता हूं मैं कि समय कितना बलवान है, समय नहीं रुकता। आप उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे कि देखिए मान लीजिए कि कोई आपकी जर्नी स्टार्ट की, उसने पहले आपके 2 सेकंड में 20 मीटर कवर किया, ठीक, यहाँ आ गया। अगले 2 सेकंड में उसने 30 मीटर यानी कि 20 + 30 50 कर लिया, तो यहाँ 50 से आ गया ये, ठीक। लेकिन फिर वो आ गया रेस्ट में। अब जब वो रेस्ट में आ गया और रेस्ट में वो कहां तक रहा, अगले 4 सेकंड तक रेस्ट में ही रहा, उसने ब्रेक लगा लिया, वहीं बैठ गया पानी पीने लगा। जब पानी पीने लगा वहां पर बैठ के रेस्ट में आ गया, तो अब देखेंगे इसका ग्राफ कैसा बनेगा। अब यहां पर ये 0 है तो 6 सेकंड में वो कहां, उसका टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया हुआ है, ये 50 50। 8 सेकंड में कहां है, 50 50। क्यों है 50, क्योंकि बदल ही नहीं रहा ना, पोजिशन ही नहीं बदल रहा है, ये क्या पोजिशन टाइम ग्राफ है ना। तो अब ये देखेंगे इसका हमारा जो ग्राफ बन रहा है वो कैसा बन रहा है, ये और ये। तो जब भी हमारा ये हमारा टाइम की एक्सिस के पैरेलल में आ जाए, हमारा ग्राफ टाइम की एक्सिस के पैरेलल में आता है जब भी ग्राफ, तो हम समझ जाना चाहिए कि वो जो मोशन में थी चीज वो अब रेस्ट में आ चुकी है। तो मोशन से रेस्ट में जब भी आएगी तो हमारे टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक। ये हो गया हमारा टाइम एक्सिस, वो पोजीशन टाइम ग्राफ। इससे हमने क्या निकाला, इसके स्लोप से हमने वेलोसिटी निकाल दी। अब दूसरा है हमारा वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ क्या है वो देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमेशा टाइम रहेगा, ठीक। अब इस बार y एक्सिस में हम लोग वेलोसिटी लेंगे। वेलोसिटी कैसे लेंगे कि जैसे हमने लिया था कि पहले 2 सेकंड में वो कितनी चल रही थी, 20 मीटर पर सेकंड। अगले 2 सेकंड यानी कि 4 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी हो गई, 40 मीटर पर सेकंड। उसके अगले सेकंड में, अगले 2 सेकंड बाद कितनी हो गई, 60 मीटर पर सेकंड, यानी कि वो बढ़ती जा रही है, एक्सेलरेशन करती जा रही है, ठीक। तो ये था 0, रेस्ट पर थी वो, तो ये 20 40 60, ठीक। 20 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड और 60 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 2 4 6, ये क्या है सेकंड, और ये है हमारा मीटर पर सेकंड, ठीक। ये है वेलोसिटी और ये है हमारा टाइम, ठीक। तो जब हम देखें कि पहली बार हमारा रेस्ट में था कोई चीज, तो रेस्ट में 0 टाइम और 0 उसकी वेलोसिटी। 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड उसने कब अटेंड की, उसने अटेंड की 2 सेकंड के बाद, तो ये आ गया ठीक यहां पर। अगली बार 2 सेकंड बाद कहां पहुंच गई, 40 मीटर पर सेकंड में, यानी कि अब अगले 2 सेकंड में उसने कितना कर लिया, अगले 2 सेकंड में वो 20 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड आ गई, और 6 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई, 60 मीटर पर सेकंड। तो जब भी हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन में होगा, इससे हम क्या पता लगाएंगे, इससे हम पता लगाएंगे कि चीज जो है हमारा मोशन है, जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में है वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है हमारा यूनिफॉर्म मोशन, नहीं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कैसे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, देखते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। पहले तो हम बता दें कि ये इसका जो स्लोप है, जो वेलोसिटी स्पीड पोजीशन और टाइम ग्राफ का स्लोप क्या निकालना था, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ का स्लोप क्या निकालेगा, एक्सेलरेशन। तो इसका हम जैसे कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करें तो ये y2x2 और ये हमारा कितना y1x1, ठीक। तो y2 क्या है 60, y1 क्या है 40, x2 क्या है 6, x1 क्या है 4। तो 60 माइनस 40 20,
सिक्स माइनस फोर बाई टू 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 टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, क्यों? क्योंकि ऊपर वाली क्वांटिटी वो है मीटर पर सेकेंड और नीचे है हमारी सेकेंड। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि टेन मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हर सेकेंड वो ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी बढ़ा रहा है। ठीक, तो जब ये ऐसे बढ़ा रहा है, देखेंगे जब ऐसे बढ़ा रहा है अपनी स्पीड, ठीक, ये ऐसे बढ़ा रहा है, देखिए ये ऐसे गया। यदि हम यहां से निकालें और यहां से निकालें तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस 0 यानी कि 60, 6 माइनस 0 यानी कि 6, तो यहां पर भी तो ये आया ना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन प्रति सेकंड, यानी कि जो हर सेकंड में अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है वो थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट्स मोशन इट्स चेंजेस इट्स वेलोसिटी एट अ कांस्टेंट रेट। ओके, उसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यदि यही चीज हमारी ऐसे ना होकर रिटार्डेशन में हो, रिटार्डेशन समझते हैं ना, तो जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगी हमारी कोई चीज, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगी तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वेलोसिटी टाइम का वो बनेगा स्ट्रेट लीनियर। ठीक, तो और जब हम रिटार्डेशन में होंगे कि मान लीजिए कि कोई कार है वो चल रही है हमारी 60 मीटर पर सेकेंड पर, अभी चल रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकेंड में चल रही है, 2 सेकेंड के बाद वो कहाँ आ गई, 2 सेकेंड के बाद वो आ गई मान लीजिए 80 है, ठीक, 80 में चल रही है, 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक, 80 मीटर पर सेकेंड में चल रही है, 2 सेकेंड के बाद वो आ गई हमारी 60 में, ये उसके 4 सेकेंड के बाद उसने अपनी स्पीड और घटा ली, ब्रेक लगा रहा है, वो ब्रेक लगा रहा है तो 40 में आ गया, उसके बाद फिर लगा रहा है ब्रेक तो ये आ गया 20 में। ठीक, तो अब हम इसको यदि इस वाली लाइन को खींचें तो यहां से शुरू हो रहा था ना ये, यहां से हमारा ये इनिशियल वेलोसिटी था। तो अब जब हम इसको रिटार्डेशन को लेंगे तो रिटार्डेशन हमेशा हमारा आएगा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है ये, कैसा कि यदि मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी दूं 80 यानी कि 60 माइनस 80 अपॉन कितना 2 0, हाँ 2 माइनस 0, ठीक, तो 2 में कितना है हमारा 60 है, फाइनल टाइम हमारे 2 है ना, डिस्टेंस हमारे 2 है, ये टाइम टेकन 2 सेकंड का है, ठीक, T2 माइनस T1 यानी कि 2 है, ठीक, तो माइनस 20 अपॉन 2 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन माइनस का, यानी कि ये जो हमारा शो कर रहा है ये कर रहा है हमको शो रिटार्डेशन, यानी कि ब्रेक लगाने के बाद यदि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखेंगे तो हमको दिखेगी एक लीनियर स्ट्रेट लाइन, लेकिन किस साइड को, टॉप टू डाउन। और जब हम देखेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो हमको क्या देखेगा, हमको देखेगा तो बॉटम टू टॉप लेकिन स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो इसका स्लोप हमको निकाल के देता है एक्सेलरेशन। और यदि चलिए एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, फिर टाइम का कीमत समझते हैं कि कोई भी चीज थी ट्रेवल कर रही थी मान लीजिए हमारे 30 मीटर पर सेकेंड से, ठीक, 30 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रही थी और वो करती गई करती गई करती गई 30 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रही है और 6 सेकेंड तक करती गई 30 मीटर पर सेकेंड से। अब उसकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, वो 30 मीटर पर सेकेंड पर ही कर रही है हर सेकेंड में, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन गायब हो गया। कहाँ गायब हो गया, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है यानी कि एक्सेलरेशन हो रहा है हमारा 0। तो जब 0 हो रहा है हमारा एक्सेलरेशन तो ये देखिए ये सीधे सीधे जा रहा है और मान लीजिए 6 सेकेंड तक हमको कैलकुलेट करना है। अब यदि इससे हम कहें कि हम इसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमको हमको क्या निकाल के देता है, वो हमको निकाल के देता है डिस्प्लेसमेंट। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया सीधा सीधा हमको दिख रहा है कि ये रेक्टेंगल है, ठीक, अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, तो इसकी लेंथ कितनी है 6 सेकेंड, 6 सेकेंड, सेकेंड भी लिख लेता हूँ, ठीक, सेकेंड, और इसकी विड्थ कितनी है, विड्थ है इसकी 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड नीचे सेकेंड ऊपर कट गया सेकेंड से सेकेंड, 30 × 6 यानी 180 मीटर, ये हमने ऐसे निकाला वाया ग्राफ। अब हम वाया क्वेश्चन वैसे चले मैथ से, तो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट यदि 6 सेकेंड ट्रेवल करेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उसको भी हम ऐसे निकालते थे, कैसे निकालते थे कि वेलोसिटी बराबर हमारा होता था क्या, वेलोसिटी बराबर होता था हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, वेलोसिटी हमें पता है, टाइम हमें पता है, v इंटू टी,
बराबर हम निकाल लेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो v हमारा कितना है 30 मीटर पर सेकंड, इनटू टाइम कितना है हमारा 6 सेकंड, तो हम कितना निकालेंगे सेकंड से सेकंड का कैंसिल हो गया, 13 टू 6 इक्वल्स टू 180 मीटर्स। ओके, तो एरिया हमारा क्या निकाल के दिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया ने निकाल के दिया हमको डिस्प्लेसमेंट, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ने हमको क्या निकाल के दिया एक्सेलरेशन, पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप ने हमको क्या निकाल के दिया वेलोसिटी, ठीक। अब इसके जस्ट बाद हम जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को सिर्फ एक ग्राफ से, ये ग्राफ आप समझ गए, सिर्फ एक ग्राफ से तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर देंगे, फिनिश कर देंगे, उसके बाद हम लोग नोमेट्रिक में चलेंगे, ठीक। थैंक यू सो मच।